हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे पर्सनली कि जब जबलपुर बेंच ने स्टे हटा दिया है रिजल्ट पे से, तो इंदौर बेंच के डिसीजन का वेट क्यों कर रहा है एमपीएसपी, रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा, जबकि जबलपुर तो प्रिंसिपल बेंच है और जो ऑर्डर दिया है वो डिवीज़न बेंच ने ऑर्डर दिया है, जबकि इंदौर में तो खंडपीठ है, सिंगल बेंच है वहाँ पे, तो फिर भी जबलपुर के ऑर्डर का पालन करते हुए यूएसबी रिज़ल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है, और इंदौर में जो केसेस लगे हुए हैं उनके जजमेंट का ऑर्डर क्यों कर रहा है, ऑर्डर का वेट क्यों कर रहा है। तो इसको इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको एक एग्जांपल के तरीके से लेते हैं हम, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रमेश है, रमेश छतरपुर में रहता है। अब रमेश संविदा कर्मी है, सब इंजीनियर हैं, रमेश ने केस किया है जबलपुर प्रिंसिपल बेंच में। अब इसकी प्रोसीडिंग्स हुई है जबलपुर में, 3 जनवरी को इसकी पहली सुनवाई हुई, पहली नहीं 3 जनवरी को इसको सुनवाई हुई, जिसमें कि जो है कुछ जो केसेस थे उसमें से स्टे वैकेट कर दिया गया। उसके बाद इसकी 2 फरवरी को सुनवाई हुई, 2 फरवरी को सुनवाई लंबी चली जिसमें कि दोनों पक्ष को सुना गया, और उसमें भी ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी स्टे लगे हुए हैं जबलपुर बेंच में रिजल्ट के ऊपर एमपी सब इंजीनियर के, उनको वैकेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पीईबी को परमिशन मिल गई कि वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी है, सुरेश, जो कि उज्जैन में रहता है, जो किसी और डिपार्टमेंट में, जैसे मान लीजिए आरईएस में काम करता है, वो भी संविदा कर्मी है, वो भी सब इंजीनियर है। अब उसने भी केस किया हुआ है इंदौर खंडपीठ में। अब उसके कुछ साथ कुछ और लोग भी हैं, तो इन्होंने जो केस किया हुआ है वो भी एमपीईबी पर, ईएसबी पर ही किया हुआ है, जिसमें कि एमपीईएसबी और गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेंट है और डिपार्टमेंट्स भी जो है वो रिस्पॉन्डेंट में आते हैं, तो इन्होंने केस किया हुआ है। अब कोरिलेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि दोनों केसेस में जो रिस्पॉन्डेंट है वो तो सेम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जो भी डिपार्टमेंट जिसमें संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, और एमपीएसबी है, क्योंकि वो रिजल्ट का प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर कंडक्ट कराते हैं। बट जो पेटिशनर है वो अलग अलग है, जिसमें इस जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो केस है WP 20047/2022, ये जबलपुर बेंच में लगा था, जिसमें देख सकते हैं 2 फरवरी को इसका जो हियरिंग हुई थी, जो कि इसी चैनल में 40 मिनट का एक वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उसमें आईए जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, जिसमें कि ये ऑर्डर दिया गया था कि जितने भी स्टे लगे हुए हैं रिजल्ट पे वो हटा सकते हैं। तो इसमें आप नीचे जाके देख सकते हैं पटिशनर में, तो इसमें पटिशनर्स काफ़ी सारे हैं, तो अधिकतर पटिशनर जो है वो इस केस में पर्टिकुलरली वो मनरेगा में काम करते हैं। अब इसके साथ कुछ और कनेक्टेड केसेस है, उसमें जो पटिशनर है वो किसी में जबलपुर नगर निगम में है, किसी में किसी और नगर निगम में, तो ऐसे कुछ कनेक्टेड केसेस हैं। बट अगर हम इसकी बात करें WP 18277/2022, तो ये जो है ये इंदौर बेंच में लगा हुआ है, तो इसके आप नीचे पटिशनर में देख सकते हैं जनपद पंचायत में है, जो कि उज्जैन में है। इसके जो पटिशनर है वो एज अ सब इंजीनियर, संविदा सब इंजीनियर जनपद पंचायत उज्जैन में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब तो ये है कि देखिए, रिस्पॉन्डेंट जो है वो दोनों केसेस में सेम है, पर जो पेटिशनर्स हैं वो दोनों केसेस में अलग है। जबलपुर में रमेश वर्सेस गवर्नमेंट है, और जो इंदौर है उसमें सुरेश वर्सेस गवर्नमेंट है। तो अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि जबलपुर बेंच ने ऑर्डर दे दिया तो इंदौर बेंच की क्या ज़रूरत है। तो यही चीज़ है कि क्योंकि पेटिशनर अलग अलग है, तो रमेश और गवर्नमेंट के जो केस की जजमेंट जो है उसको आप एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते सुरेश वर्सेस गवर्नमेंट पे। तो इसके लिए हमको वेट करना ही पड़ेगा इंदौर बेंच का जो भी ऑर्डर आता है। जब तक इंदौर बेंच में जो है वो रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है वो हट नहीं जाएगा, तब तक एमपीएसबी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ये तो जबलपुर बेंच से क्लियरेंस मिल गया है, उसमें से सारे स्टे हटा लिए गए हैं कोर्ट ऑर्डर्स के द्वारा। बट अब जो इंदौर बेंच में जो स्टे लगा हुआ है वो जब तक नहीं हटेगा रिजल्ट पे से, तब तक एमपीएसबी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया हो। और अभी जैसे कि इसमें देख सकते हैं टेंटेटिव डेट 7 फरवरी हो गई है, तो देखते हैं 7 फरवरी को अभी केस कितने नंबर पर लिस्ट होता है और कौन से जज के पास जाता है।